हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथ बस्टर्स को कंफर्म या पास करने जा रहे हैं। हमारा अगला मिथ ये कि हमारे ओल्ड घर पर हम लोग एंडीवर को स्पॉन करें विंडो के साइड तो हमारी एंडीवर जंप करेगी। तो गाइस ट्राई करके देखते हैं, लेकिन मुझे विंडो समझ नहीं आया कि किस विंडो की बात करिए। अभी तो मैंने गलती से छत पे ही कर दी। पीछे चलते हैं और किसी विंडो को ढूंढते हैं। ये भी एक विंडो ही है वैसे, लेकिन यहाँ पे भी उतनी जगह नहीं है कि ये जंप कर पाए। शायद से पीछे वाली विंडो पे हो जाएगा गाइस, तो यहाँ ट्राई करके देखते। अच्छा ये हुआ तो, लेकिन ये तो टकरा के आगे आई है ऐसा मुझे कुछ लगा। फिर से करते गाइस 2020 और इसको विंडो के पास करते। यार ये तो विंडो से टकरा के ना आगे की तरफ जा रही है। एक बार मैं नीचे स्पॉन करके देखता हूँ थोड़ी सी। यहाँ पे मैंने किया और हाँ ये देखो जंप मार के ये घर के आर पार निकल गई। तो सही में जंप तो मारी है, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि 7777 वाली बाइक से व्हीली मारेंगे तो पीछे का व्हील आधा नीचे चले जाएगा। तो 7777 से आती है ड्यूक 200। अब मैं उठाता हूँ इसको व्हीली मार के और पीछे का जो व्हील है ये आप देख सकते हो जमीन के अंदर चला गया गाइस। ये देखो जमीन के अंदर पूरा तो नहीं गया, आधा चला गया, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि अगर आप एंडीवर को फुल स्पीड में किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टक्कर मारेंगे तो उसका ग्लास नहीं टूटेगा। तो फुल स्पीड में भगा रहे हैं हम लोग एंडीवर को गाइस और ठोकते हैं इसको किसी भी बिल्डिंग में। पेड़ में ठुकने वाला था, बच गया। इस बिल्डिंग में ठुकेगा, ये घूमा और सामने का जो पार्ट है वो पूरा ही बाहर आ गया, लेकिन कांच को कुछ भी नहीं हुआ है, एक भी कांच टूटा नहीं है। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि अगर आप नाइट मोड करके जुरासिक पार्क जाओगे तो ट्री की लाइट जलेगी। तो गाइस नाइट मोड कर लेते हैं और ट्री में लाइट भी लगी है क्या ये भी देख लेते हैं। तो हमने किया नाइट मोड और ट्री सही में ग्लो मार रही है यार। ये पहले नहीं होता था, पहले तो कुछ दिखाई नहीं देता था अंदर, लेकिन अब हमें एक एक ट्री ग्लो करता हुआ दिख रहा है। बस कुछ पेड़ों को छोड़ के, जैसे कि ये आगे वाला पेड़ हमारा, ये ग्लो नहीं कर रहा है और हाँ ये वाला भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो साइड के जितने भी पेड़ हैं मेरे ये ग्लो नहीं कर रहे, बाकी सारे कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं इसके पास जाऊँ तो ओके समझ गया। तो हम जिस भी पेड़ के पास जाएंगे वो ग्लो करना बंद कर देगा गाइस। ऐसा क्यों किया पता नहीं, लेकिन ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि अगर आप 5050 वाले डायनासोर को जितना भी मार दो वो नहीं मरेगा। तो गाइस स्पॉन करते हैं 5050 से वेलोसिराप्टर को। तो इसकी ऊंचाई चालू करने के लिए पहले एकेएम से करते हैं, देखते हैं एकेएम से मरता है कि नहीं। अच्छा ये कुछ पार्ट में तो इसको गोली लगती नहीं है, अभी लग रही है कि नहीं। हाँ लग गई, ठीक है तो मर तो गया, ये क्या दिक्कत क्या थी इसमें। लेकिन कुछ है क्या, बचा तो नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये इलास्टिक बन गया, ये रबर बैंड जैसे कैसे जा रहा है ये। अरे यार ये डिस्पॉन नहीं होगा क्या, वो तो जाते ही जा रहा है, बहुत दूर आ गया यार ये। तो मुझे लगता है मिथ ये होगा कि ये डिस्पॉन नहीं होगा, क्योंकि सही में डिस्पॉन तो हो नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। मैं इसको ना RPG से मार के देखता हूँ। ये मारा मैंने और वो जा रहा है क्या, नहीं उड़ गया गाइस। ये देखो गायब हो गया है, जैसे कि हॉर्स होता है वैसे ये भी गायब हो गया है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर हम इस पे RPG नहीं मारे ना तो ये डिस्पॉन ही नहीं होगा। जैसे हम इस पे RPG मारते गाइस, फिर दोबारा मारते तो हॉर्स तो इतने में उड़ जाता था, लेकिन ये देखो ये उड़ नहीं रहा है। अगर मैं फिर से मारूं, अच्छा तो दूसरी बार ये उड़ जाता है। और अगर इस पे हम स्टिकी बॉम्ब लगाएं तो देखते हैं क्या होता है। ये मैंने लगाया स्टिकी बॉम्ब और एक्टिवेट किया और ये चला गया गाइस आसमान में। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे खड़े रहते हैं और देखते हैं कि ये डिस्पॉन होता है कि नहीं। One eternity later. यार ये डिस्पॉन नहीं हो रहा है गाइस। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर हम इससे दूर जाएंगे ना तो शायद ये डिस्पॉन हो जाए, वरना अगर आप वहाँ खड़े रहे ना तो यार मैं 5 मिनट खड़े हो गया, ये डिस्पॉन हो ही नहीं रहा था। अब दूर जाके एक बार पास आके देखते हैं फिर ये डिस्पॉन होता है कि नहीं। और यहाँ पे से ये गायब हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये है ही नहीं। तो अब जाके ये डिस्पॉन हुआ है गाइस। लेकिन हमारा मिथ था कि ये मरेगा नहीं, जबकि मर चुका है, तो ये बस्टर्ड है। हमारा अगला मिथ है कि अगर आप गन से फायर करके क्राइम करते हो और डायनासोर स्पॉन करके उस पर बैठ जाते हो तो पुलिस आपको नहीं मारेगी। तो गाइस पहले तो क्राइम करना पड़ेगा, उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा दूर है, तो स्नाइपर से एक हाथ को उड़ा देते हैं। चलो एक स्टार आ गया है, अब जल्दी से बैठते हैं हमारे डायनासोर पे, इससे पहले पुलिस आके मुझे मार दे। चल बेटा आ गए हम लोग वेलोसिराप्टर के ऊपर, लेकिन पुलिस अभी तक आसपास भी नहीं दिख रही। कहाँ से आ रही है, शायद सामने से आएगी, सामने भागते हैं। तो यहाँ पे पुलिस आ चुकी है और यहाँ पे इसको धक्का मार मार के देखो पीछे ही कर दिया यार। अगर ये डायनासोर औकात पे आ गया ना तो कोई पुलिस वाला इसको मार ही नहीं सकता भाई, मार का छू नहीं सकता। ये तो बाहर ही नहीं आ रहा डर के मारे। चलो बाहर आ गया, देखते क्या ये मुझे गोली मारता है कि नहीं। नहीं यार गोली तो नहीं मार रहा है, तो मुँह मोड़ के जा रहा है पूरा सा। नहीं नहीं ये अच्छा देख तो रहा है, लेकिन मारेगा नहीं मुझे लग रहा है। नहीं गाइस ये नहीं मारेगा हमें,
तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ भी इसी से जुड़ा है कि डायनासोर जो है ना वो पुलिस को नहीं मार सकता है। तो पुलिस की गाड़ी तो आ चुकी है, हमें क्या करना है, इसके पास जाना है, क्योंकि जैसे हम लोग लोगों को मारते हैं वैसे इसको कटवाना पड़ेगा, है ना। तो पुलिस वाले बाहर आए पहले, वही अच्छा रहेगा, लेकिन ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं भाई। डायनासोर को देख के एक तो कोई बाहर ही नहीं आता है। चलो आ गया ये, अब मैं इसको कटवाता हूँ भाई अपने डायनासोर से। इसके लिए मुझे अपना मुंह जो है, मतलब इसका मुंह जो है ये इसके मुंह पर डालना पड़ेगा, लेकिन नहीं काट रहे मुझे लग रहा है शायद से, वरना अभी तक तो काट देता गाइस ये। हाँ ये नहीं काट रहा है इसको, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ है कि 5050 वाले डायनासोर की आंख देखो। तो गाइस 5050 से स्पॉन कर लिया हमने वेलोसिराप्टर को, इसकी आंख देखते हैं भाई। इसकी आंख कैसे हिल रही है, ये लेफ्ट राइट कर रहा है। पहले तो मुझे लगता था कि ये हमें देखता है, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ ना तो इसकी आंख बस हिलते जा रही है और अलग ही तरीके से हिल रही है यार। पास से तो ना बिल्कुल सांप की तरह ही दिख रहा है ये, सांप या मगरमच्छ आप बोल सकते हो, ऐसी लग रही है इसकी आंखें मुझे। और ये मुझे तो नहीं देख रहा है, ये सामने ही दिख रहा है, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ यह है कि अगर आप 2020 वाली कार को अगर मेगा रैम से गिराओगे तो इसके पीछे जो नंबर प्लेट है वो नहीं टूटेगी। तो कूदाते हैं गाइस इसको मेगा रैम से और देखते हैं क्या होता है। वैसे हमारी जो लेजेंडर आई थी या फॉर्चुनर थी, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, जिसके पीछे RGS का लोगो रहता था, उसमें भी RGS का लोगो जो है ना वो हवा में ही रहता था। तो इसमें देखते हैं ऐसा क्या रहता है हवा में। हाँ कुछ तो है लग रहा है। तो गाइस पीछे की जो नंबर प्लेट है और एक और कुछ चीज़ है ऊपर, हाँ वो शायद से विंडशील्ड ही है जो बोल रहे थे ये। तो गाइस विंडशील्ड होता है, रेनशील्ड होता है, जो भी है ये भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। तो ये दोनों लटके हुए हैं, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर आप न्यू हाउस के बेड पर चढ़कर दीवार के पास जाकर सुपर जंप करोगे तो देखो मैजिक। भाई सुपर जंप तो एक ही बार होगी, दो बार की बोलती इसने, तो इसने दो बार बोला है तो मैं अल्ट्रा सुपर जंप ही लगा देता हूँ, है ना। चलो कि कुछ हो ही जाए, दो बार सुपर जंप जितनी हो जाए। और ये मारी हमने जंप और मैं पता नहीं कहीं तो ऊपर चढ़ गया। ओके तो मैं आ चुका हूँ गाइस फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर भी बोल सकते हो आप, है ना। तो हम सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं पता नहीं कैसे जंप मार के, और ये बिल्डिंग के अंदर ही शायद, और इसके ऊपर वाले फ्लोर पे भी शायद जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टकरा है। लेकिन एक फ्लोर ऊपर आ गए गाइस, हमने हमारे न्यू हाउस की न्यू बिल्डिंग को भाई एक्सप्लोर ही कर दिया है। देखो अच्छा ये देखो, ये पूरा अंदर का था, अभी मैं बाहर आ गया, लेकिन अब मैं अंदर जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कोई गेट ही नहीं है। तो सेकंड फ्लोर पे पहुँच चुके हैं गाइस हम लोग, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हेलीकॉप्टर और टैंक को स्पॉन करो नाइट मोड में और टैंक में बैठो। तो मैंने दोनों को स्पॉन कर दिया है नाइट मोड में, ठीक है। अब मुझे जाके टैंक में बैठना है ना, ठीक है। तो टैंक में चलते, वैसे कोई ऐसे ग्लिच लगाना है क्या, इसलिए मैं दोनों पे साथ में कर रहा हूँ, ठीक है। साथ में हो गया है, और इनविजिबल ग्लिच टाइप तो कुछ लगा नहीं है लग रहा है मेरे को, क्योंकि टैंक चल रहा है लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ नहीं रहा है। तो ग्लिच क्या हुआ इसमें, अरे लाइट आ गई भाई, लाइट आ गई गाइस, ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार, टैंक में लाइट आ गई है। टैंक में हमने लाइट का ऑप्शन लिया है गाइस, क्योंकि इसमें नॉर्मली नहीं रहता। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपना मिसाइल रहता है और कंट्रोल करने का रहता है, लेकिन पता नहीं कैसे यार लाइट ले आए हम लोग, वो भी चलती वर्किंग लाइट। मैं आपको नॉर्मल टैंक का दिखाता हूँ, अगर नॉर्मल टैंक रहती है तो ऐसे ऑप्शन आते गाइस, ये अपना मिसाइल का है, ये कंट्रोल्स का है, लेकिन हम लाइट का ले आए, तो ये मिथ यार कंफर्म्ड है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट करना मत भूलना अपने अपने मिस ताकि हम उनको ले अगली वीडियो में। और अगर मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।